और 2 लोटे के करीब हम चूल्हे पे कढ़ाई पे पानी रख देंगे और इसमें डाल देंगे नमक। नमक मतलब जितना डालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। दीदी का मुखड़ा डरावना लगता है। जंगलों में इस प्रकार के लंगड़े होते हैं, यह देखो ऐसे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रेखा पवार एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चोपड़ा गांव की इन हसीन वादियों से। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है चोपड़ा, मतलब मायके का नाम है चोपड़ा। तो आजकल मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो आज जा रही हूँ मैं, कल मैंने ससुराल जाना है, तो आज ससुराल के लिए सब्जी लेके जा रही हूँ। ये सब्जी बाजारों में नहीं मिलती है और हमारे गांव में मिलती है, मतलब बहुत गांव में मिलती होगी, लेकिन ये सब्जी आप बाजार से नहीं ले सकते। गाँव के लोग ले जाएंगे बेचने के लिए, वो बात अलग है। बाकी ये सब्जी पहाड़ों में मिलती है और ऐसी जगहों पे मिलती है, ऐसे इलाकों में मिलती है जहाँ ठंडा हो और नीचे पानी हो। तो आज हम उसी सब्जी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इस सब्जी का नाम है लेंगड़ा। ये सब्जी बहुत कम मिलती है, सब गांव में नहीं मिलती है, कम मिलती है बहुत। तो आज उसी सब्जी के लिए जाते थे, आपको बताते हैं उस सब्जी का नाम क्या है, कहाँ वो सब्जी मिलती है और कैसे उस सब्जी को बनाते हैं। उस सब्जी का नाम है लेंगड़ा और मैंने कुछ निकाल भी रखे हैं। ये देखो, ये है वो सब्जी, कुछ मैंने निकाल दी है। ये खेतों में भी मिल जाती है हमारी, जहाँ आलू होते हैं ठंडे इलाकों में। और बाकी इस सब्जी को लेने जाएंगे, यहाँ पर है चाची जी, वो आलू की गुड़ाई के लिए आ रहे हैं। और ये देखो, ये है पहाड़ी सब्जी लेंगड़ा, इसको लेंगड़ा बोलते हैं पहाड़ में। और ये सब्जी के लिए बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी होती है इसकी। और ये ऐसे मिलता है घास के अंदर से, ऐसे खोजना पड़ता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक है ये वाला, ये सफ़ेद होता है, ये बिस लेंगड़ा होता है, मतलब बिस होता है इन पे, ये खाने के लिए नहीं होते हैं। और बाकी ये देखो, जो काले वाले हैं इसको बोलते हैं लेंगड़ा। और ये होती है पहाड़ी सब्जी, ये ऐसे मिलता है। अभी तो फिलहाल मैं खेतों में हूँ, लेकिन अब जाएंगे जंगल। और ये है चाची जी, चाची जी आलू की गुड़ाई के लिए आ रखी है और हम जा रहे हैं इस सब्जी के लिए। बाय चाची जी। ये है हमारी चाची जी, इनके खेत यहाँ नीचे हैं और हमारे खेत उधर साइड। आज का मौसम आप देख सकते हो, बहुत अच्छी हुई, धूप खिली हुई है। और ये है राखी, ये भी जा रही है लेंगड़ू के लिए। तो ये और मैं जाते हैं लेंगड़ू की खोज, और ऐसी जगहों पर जाना है हमको, देखते हैं यहाँ मिलते हैं लेंगड़े कि नहीं। और लेंगड़ा ढूंढते ढूंढते बहुत थक गए हैं, तो फिर लेंगड़ा तो मिलने में, लेकिन थोड़ा सा मजा करते हैं। ये है पहाड़ी झूला, ये पता नहीं किसी चीज की बेल है, बहुत मजबूत बेल है, तो इससे थोड़ा झूला झूलते हैं। अपने अपने जो माता ये लाड़ मत कर, जाने में शेप हुआ बाड़ में शोर उड़ा पर शोर का रहा जी को ये बॉय इसे दाग मारे। रुके ना रुके ना, रूनी कर रही है कि मार ये भाई म्यारा कमरा पीड़ा। तो दोस्तों बहुत मजा आया इस झूले में, पहाड़ी झूला है, दिमाग खराब हो गया इसका। हम लेंगड़ा ढूंढने चलते हैं थोड़ा सा, चलो ठीक है। हेमा ऐसे ऐसे बुरे आलू जाना पड़ता है हमें, तब जाके दोनी वाले खाने को मिलते हैं। इसमें बिच्छू घास भी रहता है जिसका हमको बहुत डर रहता है। माँ जा रही है 300 सोल्टे लेके पत्तों के लिए, इस पे पत्ते लाएंगे हम। और ये है मेरा भाई शुभम, ठीक है। ये पॉलीथीन लेके हम जा रहे हैं, कुछ तो इसमें निकाल दिए हमने लेंगड़े।
ये देखो, और बाकी हम इस रास्ते से जाएंगे और माँ उस रास्ते से, और पैर पैरों के तो ऐसे हाल हो रखे। एक घंटा तो हमको हो गया घूमते घूमते, बाकी इस पे लाने हमने क्योंकि बहुत डिमांड आ रखी है लंगड़ों की। जंगलों में इस प्रकार के लंगड़े होते हैं, ये देखो ऐसे मिलते हैं ये झाड़ियों के अंदर। ये देखो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जग लंगड़ा। जग लंगड़ा इसको बोलते हैं और भक्त लंगड़ा दूसरे होते हैं। और ये देखो एक मुठ मैंने ये काले वाले लंगड़े निकाल दिए हैं, और ये ऐसे वाले घास के अंदर मिलती है, जैसा वाला ये घास है इसको बोलते हैं गढ़वाली में ऊनू, और इसके अंदर ऐसे लंगड़े मिलते हैं। और बाकी हम ऐसी जगह पे आ रखे हैं, यहाँ का लोकेशन देख लो और पक्षियों की आवाज़ सुनो। गाइस ये देखिए ऐसी ऐसी गुफाएं रहती हैं, बहुत अंदर तक है। Hey guys, I am go to upar is aaj ka work is very very hard is so fan today I am work lengda is yahan bahut dar lagin kyunki idhar udhar se bahut darawna hoing ped paude hi hoing but khota bahut running idhar feeling bahut thar tharat hoing feeling happy but sharir jhar jhar hoing aur bar bar pair fisling but और इधर बिच्छू घास लगी तो बहुत धर धर हुई हाथ पे। और बाकी आप मेरे पीछे देखें कि बहुत हरा हरा घास हुई इस पे, अगर हम चल रहे हैं इस पे तो बहुत फिसलिंग हुई। और लंगड़ा तो नोट हुई लेकिन बहुत बार थे जुड़ाई, और फिर भी क्या करेंगे लंगड़ा तो निकालेंगे बट कल पारा जाएंगे। इस जाते समय बहुत रोई और इस बिच्छू घास को याद करें कि उतना लेंगड़ा हुई जितना हमने उसको निकाली देखें। देखें और आई एम ऊपर चलिंग बट उंदरड़िंग ऊपर चलिंग उंदरड़िंग पता नहीं क्या हुई ऐसा। और बाकी यहाँ ऊपर जाएंगे हम, अब ये देखो बाकी ये लेंगड़ा हुई, ये देखो 20 लेंगड़े हुई, ना 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 20 लेंगड़े हुई, ना 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 बोली 20 लंगड़ी होंगी वो, हाँ 20 लंगड़ी होंगी इसलिए फेंकी। और बाकी टुडे फीलिंग थर थर इज शरीर झर झर होंगी क्योंकि जगह जगह पे बाहर रडिंग इज। आज की जो ब्लॉगिंग है वो हम फराटेदार ऐसे फराटेदार इंग्लिश में करेंगे। और बाकी सुबह में मैं आएंगे तो चलेंगे इस लंगड़ा निकालेंगे, लेकिन बार बार रडिंग तो आएंगे उठ जाएंगे। गोइंग गोइंग ढूंगे में न जाएं नहीं तो भेतुड़ फूटिंग। अगर हम ढूंगे में जाते हैं तो भेतुड़ फूटिंग, और बाकी ऐसे जाते हैं छुपला ढूंगे हुई बट वो थैला भी ऊपर लाएं। बाकी चलें यहाँ तो भेतुड़ फूटिंग का, यहाँ भेतुड़ फूटने का पूरा पूरे चांसेस हैं। बाकी प्लीज कंटिन्यू इंग्लिश बोलने के लिए तो सुधी हुई बट आई एम बहुत मेहनत करेंगे, आई एम सुधी नो चिताएंग, ठीक है तुम आई एम सुधी नो चिताएंग। बाकी एक गढ़वाली गाना गाती हूँ मैं, हे भूलो हे घसनो हे चूचे हे पांदिनो हे काका तीन दिखने
कखे फूके ने डिबरा हर चीन मेरा बखरा हर चीन मेरा लेंगड़ा हर चीन मेरा खोटा रड़ी गेन मेरा हे चुचो हे पाधेनू हे घसे हे बांजुयू हे काका तेन देखे ने मेरो लंगड़े फोन हर ची गेन लंगड़ा मेरा कपाले फोटे कने मेरी। ठीक है, आई एम बहुत मस्त गाना गाएंगे, इस लाइक कमेंट इस शेयर करेंगे तो ठीक है। आई एम फिसलन वेरी फिसलन फिसलन वेरी फिसलन 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 दीदी का मुखड़ा डरावना लगता है, लंगड़ों का ये बोझ भारे लगता है। सो गाइस, लंगड़े तो मिले नहीं और दीदी एक गाना गा रही है। ए भगवान, कोई नहीं भगवान, अब मरनी ना रहनी भगवान। क्यों गाना कहो तो ये तो लंगड़े तो और मिल नहीं रहे, बाकी डेढ़ दो घंटे हो गए हमको घूमते घूमते, डेढ़ दो तीन घंटे हो गए घूमते घूमते, और अभी बहुत बड़ी फिसलन हुई मेरी और यहाँ लग रही बहुत दर्द हो रहा है, और बाकी चलते हैं अब घर। लंगड़े तो मिल नहीं रहे, बाकी इतने बहुत हैं। चलो तो लंगड़ा निकाल के हम आ गए हैं, और मम्मी ने यहाँ पे जो पत्ते होते हैं उसी बाल्टी एक भर दी है, दूसरा भरने की तैयारी है। यहाँ पे पत्ते इकट्ठा कर रखे हैं और भरते हैं, फिर चलते हैं घर। तो ये अब घर जाने की तैयारी में गाइस, तो चले हम चलते हैं घर। लंगड़े लुंगड़े बॉल आ गए हैं, ठिठना ठिठना भी हो गया है। मम्मी ने ये एक्सरे लगा दिया है यहाँ। और हम जाने लग गए हैं घर। शुभम लाया मेरे लिए हिसुर, हिसुर मतलब हमारे यहाँ हिसर बोलते हैं, और हिसर का स्वाद लीजिए। और मुका दिए ये है माँ, और मुका दिए क्या मुझे पूरी ना पूरी ना। सब्सक्राइब लाइक कमेंट। और ऐसे लंगड़ों को छीलते हैं और हाथ से छीलते हैं ताकि इसके पीछे वाला हिस्सा बहुत कठोर होता है, तो पता चल जाता है कि कौन सा कठोर है और कौन सा अच्छा, और इसको इस तरीके से छीनते हैं। बेकार बेकार फेंक देंगे, बाकी जो कोमल कोमल होगा उसकी सब्जी बनेगी। और कुछ की मैंने कटिंग करनी है चकले में इस तरीके से, और कुछ को ऐसे छील देते हैं हाथ से। इसमें बाकी मतलब एक तरीके के बाल होते हैं वो भी साफ करने पड़ते हैं। ये देखो, इनको साफ करके और फिर इनको छीनते हैं। और ये है लंगड़े, घर ला रखे हैं, और इसमें देखो ये जो काले काले बाल दिख रहे हैं इनको पहले साफ करना पड़ता है और बाद में इनको पूरी कटिंग करके। और दो लोटे के करीब हम चूल्हे पे कढ़ाई पे पानी रख देंगे और इसमें डाल देंगे नमक। नमक मतलब जितना डालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि जो लंगड़ा है उसके अंदर ये भरता है नमक, और नमक से ये अच्छे उबल जाते हैं। तो अभी इसको गर्म होने देंगे फिलहाल। ये
पानी अब अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे कटे हुए लेंगड़े मतलब सब्जी, और इसे अच्छी तरीके से पानी में मिक्स कर देंगे। और ये देखो ऐसे बिल्कुल एक भी पानी के बिना नहीं रहना चाहिए। और बाकी इसमें लगा देते हैं, ये बहुत अच्छे उबल चुके हैं। उबलने के बाद इनको ऐसे पानी अलग और इनको अलग निकाल दें। अब डाल दिया है मैंने कढ़ाई पे तेल, और ये डालेंगे हम सरसों के बीज। अच्छी तरह से पकने के बाद जब ये पूरा जल जाए उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कटी हुई प्याज। प्याज हम नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ताकि प्याज को अच्छी तरीके से जलने लेंगे। और मिर्च मसाले हम जो लेंगड़े हैं उबाले हुए हमने उसी में मिक्स कर देंगे, और डाल देंगे हम लेंगड़े को अच्छी तरह से जली हुई प्याज में, और इसको अच्छी तरीके से भून देंगे। और इसमें जो स्वाद आता है ना, क्या बताएंगे, इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं और इसमें बहुत अच्छा स्वाद आने वाला है। तो आइए यहाँ पे